अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सुमान रखे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहां पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं इस बार भी 30 रोजे होंगे या फिर 29 को ही ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ईद है कब? नाज़रीन, रमजान मुबारक के बाद जिस तोहफे का बेसब्री से इंतजार होता है वो है ईद उल फित्र। इस ईद को छोटी ईद भी कहते हैं, जो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से शानदार तोहफा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ईद उल फित्र कब होगी। रुअत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने साइंसी बुनियाद पर रमजान के चांद की तारीख दे दी है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद के मुताबिक इस साल रमजान उल मुबारक का चांद 29 का होने का इम्कान है। चेयरमैन रुअत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फित्र बरोज बुध 10 अप्रैल को हो सकती है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि साइंसी लिहाज से चांद की उम्र 20 घंटे के करीब और जाविया भी 10 डिग्री होगा।